वेलकम टू एसएससी मेडी। एसएससी की रीजनल जोन द्वारा एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है एसएससी सीएचएसएल 2018 एग्जामिनेशन डेट के बारे में। जैसा कि पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि जिस तरह से अभी एक रीजन का एसएससी सीएचएसएल 2018 का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, उससे ही पता चल रहा था कि एसएससी सीएचएसएल 2018 की जो एग्जामिनेशन डेट है वो चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पर जो चेंज जो एग्जामिनेशन डेट है उसको चेंज कर दिया गया है, और ये जो फैसला है ये टीसीएस और एसएससी के द्वारा ही लिया गया है। और इसका जो असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा आरआरबी एनटीपीसी पर। आरआरबी एनटीपीसी की जो राह काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, वो कैसे हम पूरा देखते हैं। आप देख सकते हैं तो एसएससी का जो रीजनल ऑफिस है प्रयागराज इलाहाबाद वार्ड, वहाँ से वहाँ के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई है अमर उजाला के थ्रू। सीएचएसएल टायर वन परीक्षा 1 से 11 जुलाई के बीच, जो पहले 1 से 27 जुलाई के बीच होनी थी वो 1 से 11 जुलाई के बीच में, मतलब बहुत ही जल्द सिर्फ 11 दिनों में ही कंप्लीट कर दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 2018 की टायर वन परीक्षा 1 से 8 जुलाई और 8 से 11 जुलाई के बीच होगी। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के लिए देश भर से 31 लाख टोटल लोगों ने आवेदन किया, जबकि यूपी बिहार से कुछ 8 लाख टोटल 31 लाख फॉर्म भरे गए और यूपी बिहार से सिर्फ 8 लाख लोगों, मतलब टोटल 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। अब इसका असर ये होगा, जैसा कि आप सुन रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जामिनेशन है, कहीं कुछ वेबसाइट बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे, कुछ वेबसाइट बोल रहे हैं कि 4 महीने तक कोई भी चांस नहीं है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की, क्योंकि इसी कहा जा रहा है कि डेट्स अवेलेबल नहीं है, सारी लैब्स सीएचएसएल या एमटीएस के कारण बुक है। तो आप देख सकते हैं टीसीएस की जो रीच है, टीसीएस एक प्राइवेट कंपनी है, उनकी खुद की लैब है, इसके अलावा उन्होंने जो दूसरे स्कूल्स या कॉलेज में या प्राइवेट लैब्स उनको भी मतलब हायर कर लिया, मतलब दूसरे जो लैब्स उनको भी ले लिया, तो इनकी जो रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में सीफी को 1 महीने या 2 महीने लगते थे, वो टीसीएस सिर्फ 10 से 5 दिनों में ही कंडक्ट करा दे रहा है। तो एमटीएस भी मतलब 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा जैसा टीसीएस की रीच है। इसके अलावा जो आरआरबी एनटीपीसी भी अगर कंडक्ट किया जाता है तो 15 दिन में भी आरआरबी एनटीपीसी को भी कंडक्ट करा सकती है टीसीएस। तो जुलाई में तो चांसेस नहीं है आरआरबी एनटीपीसी के कंडक्ट कराए जाने के, लेकिन अगस्त में हो सकता है कि आरआरबी एनटीपीसी हो सके। तो इसके अलावा तैयारी करते रहिए, किसी भी मीडिया वालों की अफवाह में मत आए कि 4 महीने तक एग्जामिनेशन नहीं हो सकते आरआरबी एनटीपीसी की। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।